हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा घटना चक्र हालांकि पिछले वाले वीडियो में हमने एंशेंट हिस्ट्री मीडियेबल हिस्ट्री साथ ही साथ फिजिक्स से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हमने कंप्लीट करवा दिया था अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थ्री रहेंगे पार्ट टू तक यह भी हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में इस कारण से थोड़ा समय लग रहा है तो चलिए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं और बहुत ही कम समय में इसे खत्म करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं 2018 में पूछे गए प्रश्न है नगर कोचीकोट क्या कहलाता है नगर कोचीकोट क्या कहलाता है तो यह कालीकट कालीकट कहलाता है कोचीकोट किला राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है कालीकट पर ही 17 मई 1498 को वास्को भारत आया था और इसकी स्वागत जमोरी ने किया था यह पहले भी हो चुका है नेक्स्ट है आंदोलन शुरुआत किसने सौ अठारह में हाजी सरिया तुल्लाने की थी यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था इस आंदोलन का मकसद था इस्लाम धर्म सुधार करना गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ना इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना यह आंदोलन पूर्वी बंगाल जिसे आज बांग्लादेश कहते वहाँ फैला इसे भारी किसान समर्थन मिला किसान समर्थन बहुत ही ज़्यादा मिला हाजी सरियतुल्ला की अनुयायियों को फराजी के नाम से जाना जाता था किस नाम से फराजी के नाम से गौर करेंगे शब्दों पर हाजी सरियतुल्ला की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अहमद दादू मियाँ आंदोलन के नेता बने फराजी आंदोलन को फरायदी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है किस नाम से फरादी आंदोलन के नाम से फराजी उपद्रव अठारह से संतावन तक चलते रहे और अंत में इस संप्रदाय के बहावी आंदोलन में शामिल हो गए बहावी आंदोलन पता ही होगा इसका केंद्र जो है बिहार के पटना में ही बनाया गया था नेक्स्ट है फकीर विद्रोह फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था मजनू शाह एवं चिराग अली सन्यासी विद्रोह केना सरकार एवं द्विज नारायण ने नेतृत्व किया था विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली सन्यासी विद्रोह केना सरकार विद्रो तो विद्रो, विद्रो, एवं, एवं द्विज नारायण भील विद्रोह गोमधर कुर पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु नेक्स्ट क्वेश्चन है रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है तो काकोरी षड्यंत्र से काकोरी षड्यंत केस 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया सरकारी धन को लूटने का विचार किसका था तो बिस्मिल का था इसी कारण से ही काकोरी षड्यंत केस में ही राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहड़ी रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खा को फांसी दिया गया अशफाक उल्ला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे

शौकत उस्मानी नलनी गुप्ता ये सभी को कारावास दिया गया था नेक्स्ट दिया गया है मेरठ षड्यंत्र केस मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ है उन्नीस में इसमें ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता शामिल थे इस केस में तीन ब्रिटिश साम्यवादी नागरिकों को भी पकड़ा गया नाम है फिलिप अस्प्रेट बेन ब्रेडले लेचर हचिनसन तीनों का नाम याद रखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे और अगर प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आ जाते हैं तो मैं बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए करवाऊंगी फिलिप एस्प्रेड बेन ब्रेडले लेचर हैचिनसन या तीनों सम्यवादी नेता थे जिन्हें पकड़ लिया गया था नेक्स्ट आता है मुजफ्फरपुर बम कांड यह हुए थे 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पर लग गया प्रफुल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम राम बोस को गिरफ्तार करके सजा दे दी गई कौन सी सजा फांसी की सजा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे खुदी राम बोस थे आगे बढ़ते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस को भी देखते हैं अलीपुर षयंत्र केस छापा मारकर अवैध हथियारों के साथ कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया इसमें घोष बंधु भी शामिल थे अरविंद घोष को अलीपुर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत पकड़ा गया अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत पकड़ा गया चित्रंजन दास ने क्रांतिकारियों की ओर से केस लड़ा जेल में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया गया पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया इसके बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में और विलेह आश्रम की स्थापना की और शेष जीवन यहीं बिताया आगे बढ़ते हैं बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका युगान्तर एवं संध्या और महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका क्या है काल है काल प्रमुख षड्यंत्र केस यहाँ पर दिया गया है जैसे कि मुजफ्फरपुर ब्रमकांड उन्नीस 1908 में हुए थे अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में नासिक षडयंत्र केस 1909 में दिल्ली षड्यंत्र केस 1913 कानपुर षड्यंत्र केस 1924 काकोरी षड्यंत्र केस 1925 लाहौर षड्यंत्र केस 1928 मेरठ षडयंत्र केस उन्नीस सौ उनतीस चटगांव षड्यंत्र केस सुरैसेन का जिनका नाम आता है उन्नीस एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड उन्नीस जिसमें खुदी राम बोस प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है अलीपुर षडयंत्र केस 1908 नासिक षडयंत्र केस 1909 दिल्ली षडयंत्र केस 1913 कानपुर षडयंत्र केस 1924 खाकोरी षड्यंत्र केस 1925 लाहौर उन्नीस मेरठ उन्नीस सौ उनतीस चटगांव षडयंत्र केस 1930 आगे क्वेश्चन है गांधी जी के चंपारण प्रधारणी की सौवीं वर्षगांठ दो हज़ार सत्रह किस महीने में थी चंपारण महात्मा गांधी आए थे अप्रैल 1917 में तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल अप्रैल चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल का संबंध चंपारण के मुरली गांव से है कौन से गांव मुरली गांव से था चंपारण किसान अंग्रेजों के नील की शोषणकारी तीन कठिया प्रथा से प्रशांत थे तीन कठिया पद्धति के अनुसार अगर कोई किसान बीस कट्ठा खेती करता है तो उसमें तीन कट्ठा नील की खेती करना होता था नील किसानों की तीन कठिया पद्धति को चंपारण सत्याग्रह द्वारा समाप्त किया गया तीन कठिया पद्धति का अनुबंध अठारह सौ ईस्वी में किया गया था कब किया गया था 1867 में किया गया था चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह आचार्य जे वी कृपलानी ब्रजकिशोर प्रसाद महादेव देसाई नर हरि पारिक इत्यादि महात्मा गांधी के साथ थे नाम याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह आचार्य कृपलानी किशोर प्रसाद महादेव देसाई नरहरि पारिक इत्यादि महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण कृषक राहत समिति एफ जी सलाई की अध्यक्षता में बनाया गया था एफ जी सलाई एफ जी सलाई की अध्यक्षता में बनाया गया था गांधी भी इस समिति के सदस्य थे इस समिति के सुझाव पर शोषणकारी तीन कठिया पति को समाप्त कर दिया गया चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को रवींद्राथ टैगोर ने किसने रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था महात्मा की उपाधि प्रदान की थी गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का कुल दूसरा सत्याग्रह था पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो यह लिए थे भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा सम्मेलन आयोजित किए गए थे ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित थे तीन सम्मेलन किसके बीच आयोजित किए गए प्रथम गोलमेज सम्मेलन बारह नवम्बर उन्नीस दूसरा गोलमेज सम्मेलन सात सितंबर उन्नीस और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में आयोजित किए गए गोलमेज सम्मेलन के के समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन थे तो रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड थे मैक पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस भाग लिया था कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लेने गए थे दलितों को अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी वापस भारत आ गए भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर शप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, में हिस्सा लिया था नाम याद रखेंगे तेज बहादुर शप्रू भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्नीस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी उन्नीस सौ कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्नीस का कराची अधिवेशन इस अधिवेशन में गांधी समझौता का अनुमोदन किया गया द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से गांधी जी को चुना गया इस अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया आर्थिक अधिकार और मौलिक अधिकार प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्नीस में महात्मा गांधी ने किया जो कि महात्मा गांधी का एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने का समय था एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे 1924 सौ बेलगांव अधिवेशन कहा है कर्नाटक में मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विशेष अधिवेशन की और सबसे कम उम्र में और सबसे ज्यादा समय तक 1940 सौ चालीस लेकर उन्नीस तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और तुम कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे हालांकि पिछले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा कर लिया था नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी को ही एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पुरुष कहा जाता है या भारत से ज्यादा ब्रिटेन में रहकर स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया था ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे फिर सवारी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कॉमन हाउस पहुंचने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे ये अठारह सौ में लिबरल पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य चुने गए थे कौन से टिकट पर तो लिबरल पार्टी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे दादा भाई नौरोजी ने धन वहन सिद्धांत दिया धन निष्कासन सिद्धांत या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रतिपादित किया उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुल तीन बार अध्यक्षता भी किया अठारह कलकत्ता अठारह लाहौर 1906 कलकत्ता अधिवेशन ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे नरोजी फुर्दोजी दादा भाई नरोजी इस इस बंगाली और अन्य लोगों ने 1851 में कब 1851 में रहनुमाई मदयासन सभा या धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की यह पारसी धर्म सुधार आंदोलन था दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था कौन सी पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत है क्या क्या हो जाएगा वंदे मात्रम यह लिया गया है आनंद मठ से इसके लेखक हैं वकीम चंद चटर्जी और इसी में ही सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है नील दर्पण नील विद्रोह की चर्चा मिलता है और इसके लेखक हैं दीन बंधु मित्र नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था यह बंगाल वाले क्षेत्र में अठारह में हुआ था इस विद्रोह में किसानों ने ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया था ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया था विद्रोह के नेताओं में शामिल थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है अच्छा अभी से संबंधित दिया गया है गोदान किसकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है अन्य रचना है कफन कफन किसका है तो प्रेमचंद का है पूस की रात पंच परमेश्वर सेवा सदन प्रेमाश्रम रंग भूमि निर्मला गब्बन कर्म भूमि एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान कफन पूस की रात पंच परमेश्वर शेवा सदन प्रेमाश्रम रंग भूमि निर्मला गब्बन और कर्म भूमि गोरा रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा किसका है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है रविन्द्राथ टैगोर की अन्य महत्वपूर्ण रचना काबुलीवाला गीतांजलि काबुलीवाला और गीतांजलि किसकी है तो रविन्नाथ टैगोर की है देवदास शरदचंद चट्टोपाध्याय कृष्ण है देवदास किसका है तो शरद चट्टोपाध्याय कृष्ण है अब दिया गया है जो उन्नीस में प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न गौर करेंगे वास्को डी भारत कब आया था तो चौदह में आया था या हो चुका है सत्रह सौ ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया था सत्रह सौ ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था जेम्स रैनल को जेम्स रैनल सत्रह सौ ईस्वी तक सर्वेयर जनरल के पद पर जेम्स रैनल रहा था बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेज को बंगाल बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ इलाहाबाद की संधि कब हुआ था तो पहली संधि हुआ था बारह अगस्त सत्रह मुगल बादशाह शाह आलम आलमदीदी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मोहम्मद रजा को बंगाल में और सिताब राय को बिहार में उप दीवान बनाया गया यही क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का दीवान किसे बनाया गया मोहम्मद रजा को और बिहार सिताब राय को उप दीवान बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कर टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी श्री रंगपट्टनम हैदर अली के द्वारा सत्रह ईस्वी में मैसूर राज की स्थापना की गई थी हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सत्रह ईस्वी में हो गई थी हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुए इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज लगवाया जैकोबिन क्लब के सदस्य बने इसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना शुरू किया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही सत्रह में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुई थी सत्रह में सत्रह से बानवे तक यह युद्ध चला था और बानवे में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी थी यहाँ पे दिया भी गया है चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए पहला हुआ है 1767 से लेकर के 1769 दूसरा हुआ है 1780 से 84 तीसरा 1790 से 79 में चौथा हुआ 1799 में प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध मद्रास की संधि दूसरा समाप्त हुआ है मंगलौर की संधि समाप्त हुआ चतुर्थ आंग्ल मशूर युद्ध के समय लॉर्ड विजली ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड विजली खुद को बंगाल का शेर कहता था सत्रह सो बिरासी ईस्वी में मराठा के साथ अंग्रेजों ने सालाबाई की संधि किया सालाबाई की संधि सत्रह बिरासी किसके साथ तो मराठा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अठारह ईस्वी में सी सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था सी सभा आंदोलन या पंजाब में हुआ था सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सी सभा आंदोलन की स्थापना अठारह में अमृतसर में हुई इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना और दूसरे धर्मों में चले गए लोगों की घर वापसी करना था बाद में अठारह में लाहौर में भी शिव सभा का गठन किया गया 1873 अमृतसर और अठारह लाहौर प्रमुख नेता थे ठाकुर सिंह संघवालिया एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह नेक्स्ट है सिख धर्म सुधार आंदोलन 1840 में निरंकारी आंदोलन चलाया गया जिसके नेतृत्व किए थे बाबा दयाल सिंह अठारह में कुका आंदोलन इसके नेतृत्वकर्ता जवाहरमल भगत एवं बालक सिंह अठारह में नामधारी आंदोलन नामधारी आंदोलन के राम सिंह किए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था राम सिंह को कुका आंदोलन को भी नामधारी आंदोलन से जाना जाता है कुका विद्रोह का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र में बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुका के द्वारा किया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना सोलह नवम्बर उन्नीस में किया गया याद रखिएगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना कब की गई 16 नवंबर 1920 1925 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया था सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे विभाजन कब हुआ था यह हुआ है 1907 में सूरत विभाजन 1907 सौ ईस्वी में हुआ था और पहली बार कांग्रेस में विभाजन सूरत अधिवेशन में ही देखने को मिला इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में अलग हो गए हालांकि बाद में 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल एवं मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया किसके प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा उन्नीस सौ उनतीस लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरल नेहरू ने किया था इकतीस दिसंबर उन्नीस को इकतीस दिसंबर उन्नीस को रावी नदी पर रावी नदी के तट पर लाहौर में पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया एक बार फिर से गौर करेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर उन्नीस को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर उन्नीस को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू स्वदेश मित्रन द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया क्या तो प्रकाशित किया था सुब्रमण्यम अय्यर ने सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू स्वदेश मित्रन किसकी पत्रिका है सुब्रमण्यम अय्यर की है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पुदंत मारतंड है जो 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था हिंदी का प्रथम समाचार कौन सा है पूछे गए प्रश्न अली नगर की संधि का संबंध किससे है तो अली नगर की संधि का हो जाएगा अली नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुतौला अली नगर की संधि हुई थी नौ फरवरी सत्रह को नौ फरवरी सत्रह सौ और एक अपमानजनक संधि थी इस संधि के तहत नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शांति हुई संधि के प्रावधान थे फरूख द्वारा दिए गए सभी विशेषाधिकारों की पुष्टि करना अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने और सिक्के ढालने की अनुमति मिली नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तो मीर काशिम मीर काशिम और मुंगेर में बारूद की फैक्ट्री किसने स्थाप स्थापना की मीर काशिम और अंग्रेज के बीच दस्तक या निशान के प्रयोग को लेकर विवाद अंततः वक्सर युद्ध का कारण बना मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका था मुर्शिदकुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की और इसे बंगाल का राजधानी बनाया वॉरन हेस्टिंग ने बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया बंगाल की राजधानी का क्रम है पहले ढाका उसके बाद मुर्शिदाबाद फिर मुंगेर उसके बाद कोलकाता उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत काल में भारत की राजधानी रही उन्नीस सौ बारह की राजधानी नई दिल्ली को बना दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ तो उन्नीस सौ उनतीस में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बैंटिक के द्वारा इसे उन्मूलन कर दिया गया आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय धर्म सभा की स्थापना 1830 सौ ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था यहाँ पे दिया गया है धर्म सभा की स्थापना किसने किया था तो यह किए थे राधाकांत देव ने राधाकांत देव सत्य प्रथा के अंत और ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना 1930 सौ ईस्वी में कलकत्ता में की इसके स्थापना का मकसद राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के नेतृत्व में सामाजिक सुधारों का मुकाबला करना था भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त शासक भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईसवी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय आगे बढ़ते हैं देव समाज की स्थापना किसने किया तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 16 फरवरी 1887 को देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री 16 फरवरी अठारह देव समाज की स्थापना की अग्निहोत्री ने शाकाहार जातियों के सामाजिक एकीकरण महिलाओं की शिक्षा विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह की उन्मूलन की वकालत की मैं बिल्कुल लगातार से कम्प्लीट करने वाली हूँ और बिल्कुल आराम से मैं चल रही हूँ क्योंकि आराम से चलेंगे तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ पाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे का संबंध किस इन फैक्ट्री से है तो यह हो जाएगा चौतीस नेटिव इन फैक्ट्री से मंगल पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया से थे मंगल पांडे ने सेना में शामिल किए गए नए एनफ राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके कारतूस में कहा जाने लगा कि गाय और सुअर की चर्बी उसमें यूज किया गया था यह अफवाह फैली इस कारण से मंगल पांडे ने विद्रोह किया मंगल पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली चलाई जिसमें अंग्रेज ऑफिसर मारा गया उनतीस मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया उनतीस मार्च 1857 को मंगल पांडे गिरफ्तार 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया मंगल पांडे 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे 1857 के क्रांति के ऐसे पहले शहीद थे जो क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे दस मई अठारह को मेरठ से कहाँ से मेरठ से अठारह की सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सीधा सीधे अगर पूछ दिया जाए कि अठारह की, की क्रांति का प्रारंभ हुई थी तो दस मई अठारह को ही मेरठ के सैनिकों का संबंध बीसवीं नेटिव इन्फैक्ट्री रेजिमेंट से था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किस में भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिंग था 28 दिसंबर अठारह सौ बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना किया गया था उस समय वायसरय लॉर्ड डफरिन ही था संस्थापक ए ओ होम थे संस्थापक ए ओ होम पहले अधिवेशन के अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्होंने ही किया था कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी के सलाह पर रखा गया था कांग्रेस का अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थल कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है और पहली अधिवेशन में बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था सारे के सारे हमने क्लियर करवा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक गरम दल की बात की जाए तो लाल बाल पाल थे और इसमें से बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन के अध्यक्षता नहीं किए थे हालांकि लाला लाजपत राय अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस अठारह में ही जुड़ चुके थे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बीपी चंदपाल या ग्राम दल के प्रमुख नेता थे इसमें केवल लाला लालाजपत राय ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था बाकी बी पी और बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था अठारह में पूना कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एस एन बनर्जी ने किया गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी 1924 सौ बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के स्वतंत्रता के, के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो जे वी कृपलानी थे कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जे बी कृपलानी यहाँ पे सुधार करेंगे करेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे मार्लो मिंटो सुधार कब आया था तो उन्नीस में मार्लो सचिव था मिंटो वायसराय था उन्नीस में आया था साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली उन्नीस में ही आई थी सांप्रदायिकता का वीजरोपण उन्नीस सौ में ही किया गया था नेक्स्ट है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय तो भारती कौन थे तो एस पी सिन्हा जिनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे तो एस पी सिन्हा थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे स्वराज पार्टी का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से था स्वराज पार्टी का संघ इनमें से किस व्यक्ति से था ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा सी आर दास सी आर दास ने उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की कहा उन्नीस में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास ने की सी आर दास अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया स्वराज पार्टी को अखिल भारतीय स्वराज पार्टी भी कहा जाता है स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेकर सदन में सशक्त रूप से विरोध सरकार का करना था गांधी जी का असहयोग आंदोलन का विधायिका तक ले जाना था स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर या अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त किया स्वराज पार्टी ने 1925 सौ ईस्वी में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर या अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त किया केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय देश विठल भाई पटेल थे केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय देश कौन विठल भाई पटेल विट्ठल लाली पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विठल लाली पटेल सरदार बलभाई पटेल के बड़े भाई थे नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मिंटो को माना जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या वार्ड की घोषणा की इसके द्वारा हिंदू से दलितों को बांटने का प्रावधान किया गया था 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट हुआ एवं सांप्रदायिक पंचायत को नकार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था मुस्लिम लीग के निर्माण लॉर्ड मिंटो के दिमाग का ही उपज था मुस्लिम लीग का निर्माण किसका दिमाग का उपज लॉर्ड मिंटो के दिमाग का उपज था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यह क्या यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था इस निर्वाचन प्रणाली में किसी बुधवार को चुनने में सिर्फ एक जाति धर्म विशेष के लोग भाग लेते हैं इस निर्वाचन प्रणाली में किसी बुधवार को चुनने में सिर्फ एक जाति धर्म विशेष के लोग भाग लेते हैं जैसे मुसलमान का चुनाव केवल मुस्लिम करेगा किसी निर्वाचन किसी प्र... प्रतिनिधि को चुनने में सिर्फ एक जाति धर्म विशेष के लोग भाग लेते थे ये होना चाहिए आगे है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यह क्या है इस निर्वाचन प्रणाली में किसी उम्मीदवार को सभी जाति धर्म के लोग मिलकर चुनते हैं वर्तमान भारत में यही प्रणाली अपनाया गया है अभी वर्तमान में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था यह क्वेश्चन पूछा गया है पिंगली वकैयाने पिंगली वकैयाने भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना किसने किया है श्यामलाल गुप्त पार्सद ने झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जबकि राष्ट्रीय गीत है बंदे है मातरम जिसका रचयिता चटर्जी और राष्ट्रगान है है गण मना जिसका रचयिता है रविन्द्र टैगोर भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा झंडा फहराई थी अगस्त 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के एस्ट्रोगार्ड में झंडा फहराई मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है और यह क्वेश्चन जो है कहाँ झंडा फहराई थी यह बीपीएससी का कुछ पूछा गया क्वेश्चन है इन्होंने विदेश में रहकर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम झंडा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया था कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से झंडा कब फहराया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्नीस सौ ईस्वी में पंडित जाहल नेहरू ने झंडा फहराया 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रश्न प्रश्नों का रिविजन करना नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे अठारह सो में सुंगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी सुंगौली की संधि अठारह में अंग्रेज एवं गोरखा के बीच या फिर नेपाली के बीच हुए थे 1816 सौ में सुंगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा जो कि नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र नाम याद रखेंगे गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था वही अंग्रेजों की ओर से पेरिस बेडोसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया अंग्रेजों की तरफ से पेरिस ब्रेड सौ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया आर नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ सुंगौली की संधि के, के द्वारा नेपाल का कुछ क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया सुंगौली की संधि के तहत नेपाल को ये नुकसान हुए नेपाल से सिक्किम दार्जिलिंग सहित कुमाऊ और गढ़वाल और पश्चिमी तरह के क्षेत्रों को खो दिया मेची नदी राय की नदी मेची नदी राज्य की नई पूर्वी सीमा बन गई अच्छा मेची नदी राज्य की नई पूर्वी सीमा, सीमा बन गई महाकाली नदी पश्चिमी सीमा बन गई महाकाली नदी पश्चिमी सीमा मेची नदी पूर्वी ठगी है। है, की उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए ठगी उन्मूलन विलियम बैटिक कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में अठारह सौ ईस्वी में 1835 सौ ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड लिटन इसका जो कार्यकाल है अठारह से अठारह तक वैसराय के पद पर रहे लॉर्ड लिटन साम्राज्यवादी सोच के थे उनका उद्देश्य उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था अठारह में अठारह का रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा ब्रिटेन की रानी भारत की सामग्री बनी अठारह में उन्होंने दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया या महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया 1878 में रिचर्ड रिचर्डी के अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया कौन सा आयोग अकाल आयोग रिचर्ड अस्ट्रैक्सी के अध्यक्षता में अठारह में इसने लंदन में आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु को भी 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया गया जिसे भारतीय के लिए भाग लेना अधिक कठिन हो जाए सशस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम जिसे कहते हैं इसका तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने पारित किया था इस कानून के तहत स्थानीय भाषा के अखबारों के संपादक को प्रकाशन से पहले सामग्री की पुलिस से समीक्षा करानी होती थी इस कानून का मकसद था समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना राजद्रोही लेखों को रोकना भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र था इसके स्थापना दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी यह वर्नाक्यूलर प्रेक्स एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था ये जो अमृत बाजार पत्रिका है यह लाई गई थी माफ करिएगा सोमनाथ है एक मिनट ईश्वरचंद विद्यासागर की जो पत्रिका थी सोम प्रकाश उसके लिए सोम प्रकाश सोमनाथ नहीं सोम प्रकाश के लिए लाया गया था आगे है लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन इन्हें जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिंसन के नाम से भी जाना जाता है जॉर्ज, सैमुअल, के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल फ्लोरेंस नाइटेंगल ने लॉर्ड रिपन को भारत का, अच्छा का सबसे उदार शासक कहा था लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन से विवादित बर्नाक्यूलर एक्ट को रद्द कर दिया अठारह में प्रथम कारखाना अधिनियम अठारह सो इक्यासी के लाया गया था लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की अठारह सौ हंटर आयोग आया लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन के समय ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना में करवाई गई जनगणनाट विल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था अठारह में एलबर्ट विवाद विवाद जो है अठारह में पेश किया गया एक विवादास्पद विधेयक था इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी एक और फिर से इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की 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 सुनवाई करने अनुमति देने मांग गई थी पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे इस बिल को तत्कालीन पशाय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था यूरोपीय लोगों ने इस बिल का विरोध किया उनका कहना था कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति को लागू किया था और लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है किसे लॉर्ड डलहौजी को नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था इंडियन ओपिनियन किसका है इंडियन ओपिनियन यह किसका है तो महात्मा गांधी का है इंडियन ओपिनियन इन्हीं नहीं महात्मा गांधी 1930 में प्रारंभ किया था यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सब दिया गया है अस्थगित सर्वनेवाक आंदोलन इस कारण से स्थगित हो गया था फिर सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी लंदन गए थे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सन उन्नीस में कौन सी घटना की वजह से रविनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी तो जलियाला बाग हत्याकांड के कारण नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी थी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अंतिम रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा कर दिया असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाया गया था असहयोग आंदोलन शुरू करने का अनुमोदन उन्नीस के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में मिला था पाँच फरवरी उन्नीस सौ बाईस को चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन उन्नीस सौ उन्नीस से लेकर के बाईस तक चला और इसका समर्थन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर मान करके किया था प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद तुर्की के खलीफा के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा पहुंचा गया था पहुंचाया गया था तुर्की के खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का गुरु होता था तुर्की के खलीफा के प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत उन्नीस उन्नीस में हुई अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली ध्यान रखेगा अली अलग व्यक्ति थे चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे अब है दो हजार उन्नीस शिफ्ट में प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था तो अठारह में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए थे दूसरा हुआ था अठारह से उनचास के बीच 1848 से 49 के बीच 1846 में लाहौर की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल युद्ध जो है समाप्त हुआ था और यह जो युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 लॉर्ड डलहौजी के समय इस युद्ध के समाप्ति के बाद सिख राज का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश भारत राज में मिला लिया गया था और यह भी क्वेश्चन बिहार दौरान पूछा गया है और सिख राज का अंतिम शासक कौन हुए तो दिलीप सिंह थे अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने किससे दिलीप सिंह से चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का विलय अठारह में किया था चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय अठारह में किया गया सिंध का ब्रिटिश भारतीय विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वरो था आगे है बिहार में अठारह की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था ये सभी जानते होंगे कुंवर सिंह कुंवर सिंह पटना से नेतृत्व करता पूछे तो पीर अली हो जाएगा जो कि पुस्तक विक्रेता थे पटना के कमिश्नर कौन थे तो विलियम टेलर तात्या टोपे ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब जिनका मूल रूप से नाम है धोधू पंत अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किए थे बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान के थे बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान कुछ नेतृत्व करता दिया गया जैसे कि मेरठ से देवी सिंह नेतृत्व किए थे लखनऊ से बेगम हजरत महल फैजाबाद से मौलाना मौलवी अहमदुल्ला झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इलाहाबाद से लियाकत अली ग्वालियर से तात्या टोपे गोरखपुर से गजाधर सिंह संभलपुर से सुरेंद्र साई हरियाणा से तुलाराम एक अफसर से रिकॉल कर लेते हैं मेरठ से देवी सिंह लखनऊ से बेगम हजरत महल दिल्ली से जनरल बखत खा और बहादुर शाह जफर दी थी हालांकि सह नेतृत्व तो वखत खा कर रहे थे नेतृत्व तो करता तो बहादुर शाह जफर ही थे लखनऊ से बेगम हजरत महल फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इलाहाबाद से लियाकत अली गोरखपुर से गोरखपुर से गजाधर सिंह संभलपुर से सुरेंद्र साई हरियाणा से राव तुलाराम नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच मतलब किससे संबंधित है संबंधित है शिक्षा से लॉर्डल हॉजी के समय अठारह में लाया गया था जिसे बुड डिस्पैच या वूडे का घोषणा पत्र कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना काटा कहलाता है चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे यह एक व्यवस्थित संतुलित विस्तृत एवं बहुमामी शिक्षा प्रस्ताव था इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा भी कहा जाता है इसमें स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा एवं उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने का सुझाव था डिस्पैच में इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकारी शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो डिस्पैच ने डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यूनाइटेड किंगडम के लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर विश्वविद्यालय होंगे और स्थापना किया भी गया कब अठारह में बूढ़े के घोषणा बूढ़े के बूड के आदेश पत्र के प्रावधान के आधार पर अठारह में वही स्थापना किया गया नेक्स्ट है अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत डॉन वार्ड थ्योरी अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत है क्या तो लॉर्ड मैकाले ने साल 1835 में मैकाले मिनट्स में इस सिद्धांत को पेश किया था जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों नैतिकता तथा बुद्धिमता में ब्रिटिश हो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने पेश किया था तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में मैकाले मिनट्स में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई बताएंगे ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्नीस में ही दिया था आगे इसके बारे में चर्चा हो चुका है महादेव गोविंद रानाडे एम जी राडे पर गौर करेंगे ये भारतीय समाज सुधारक विद्वान एवं न्यायविद थे उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा अहमदनगर शिक्षा समिति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एम जी राडे एम जी राडे पूना सार्वजनिक सभा है क्या पुना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 1870 सौ ईस्वी में किया गया था ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था पुना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे गणेश वासुदेव जोशी एस एच चिपलुनकर महादेव गोविंद रानाडे गणेश वासुदेव जोशी एस एच चिपलुनकर भवन राव श्रीनिवास राव इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे भवन राव श्रीनिवास राव इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे किसके पुनः सभा के इस संगठन का उद्देश्य क्या था तो भारत की सरकार और राव के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना किसानों की कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना लोगों की सरकार की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करना आगे है इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु तथा बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक सोच का विरोधी माना जाता है आगे है समाचार पत्र गुफ्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था रस्त गुफ्तार यह हो जाएगा पारसी पारसी धर्म सुधारों से संबंधित था यह बॉम्बे में संचालित एंग्लो गुजराती पेपर था जिसे अठारह सौ चौवन में दादा भाई नरजी और खरसेदी खर, खर कामा द्वारा जी कामा द्वारा शुरू किया गया था इस पत्रिका ने पश्चिमी भारत में पारसियों के भी सामाजिक सुधार का समर्थन किया आगे है जियो पारसी जियो पारसी क्या है तो पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए जियो पारसी एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है यह योजना दो हजार में शुरू की गई थी इस योजना को देश भारत में पारसी आबादी को स्थिर करने के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना है पारसी धर्म है क्या तो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है इसकी स्थापना पैगम्बर जथ्रुष्थ ने ईरान में करीब प्रतिस चार साल पहले की थी किसने जर थुस्त्र ने पारसी धर्म के जर थृष्टि पंथ भी कहा जाता है पारसी धर्म को जर थृष्टि पंथ भी कहा जाता है हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हिंद स्वराज 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ब्रह्म समाज की स्थापना में में राजा राम रायने की केशव केशव चंद्र चंद्र सेन सेन, बाद ब्रह्म समाज से जुड़े सेन। और केशव चंद्र सेन के वैचारिक मतभेद के कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया आदि ब्रह्म समाज और नव ब्रह्म समाज नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था पुलिस सुधार बंगाल विभाजन सेना व न्यायिक सुधार जबकि सत्य प्रथा पर रोक नहीं था सत्य प्रथा तो अठारह सौ उनतीस लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय का प्रयास लॉर्ड कर्जन अठारह सौ निन्यानवे उन्नीस सौ पांच तक भारत का वराय रहा लॉर्ड कर्जन के काल को भूलो और आयोग का काल कहा जाता है कौन सा काल भूलो और आयोग का, का काल कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के सही महत्वपूर्ण घटना है अठारह सौ निन्यानवे में कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट द्वारा द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई अठारह सौ कलकत्ता कॉपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई लॉट कर्जन ने अठारह सौ निन्यानवे में अठारह सौ नब्बे उन्नीस यहाँ पर सुधार करेंगे अठारह सौ नब्बे से उन्नीस सौ अठारह में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता का दमन 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा तो सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर निषेधाधिकार दिया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम थॉमस रैले कैसी बारिश पर लाया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम थॉमस रेले के सिफारिश पर थॉमस रेले के सिफारिश पर लाया गया था रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में थॉमस रॉबर्टसन की इस समिति के सिफारिश पर की गई रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 किसके सिफारिश पर थॉमस रॉबर्टसन की समिति के सिफारिश पर की गई थी पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र 1905 अप्रैल 1905 में खोला गया कर्जन को किचनर विवाद कर्जन के समय किचनर विवाद हुआ उन्नीस में बंगाल विभाजन हुए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वासराय था तो लॉर्ड कर्जन अभी हमने बात किया भी 19 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई कहाँ शिमला में और लागू कब किया गया तो 16 अक्टूबर 1905 को और हार्डिंग के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इसे रद्द कर दिया गया नेक्स्ट है उन्नीस के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ जीत हुआ था उन्नीस सौ कराची अधिवेशन अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलान करने के लिए दिया गया है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो पहले 1918 आएगा उसी को मिलाएंगे तो अहमदाबाद और खेड़ा में अगर कंपेयर किया जाए तो अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा 1918 खेड़ा सत्याग्रह 1918 एक बार फिर से हाँ अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस चंपारण सत्याग्रह उन्नीस सौ सत्रह मिला लेंगे हाँ चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले बताया जा चुका है अहमदाबाद मील हड़ताल को देखेंगे यह 1918 में हुआ था प्लेग बोनस को लेकर मालिक और मजदूरों के बीच विवाद छिड़ा था महात्मा गांधी ने मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल की और यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था मजबूर होकर मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा तो सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को पैंतीस प्रतिशत बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 वर्ष 1918 में भीषण दुर्भी के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल ईदूलाल यांगिक तथा कुछ अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गाँव का दौरा प्रारंभ किया इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई यह महात्मा गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन था हत्याकांड के बारे में पहले बताया जा चुका है अठारह सौ बीस में, तो में मद्रास वाले क्षेत्र में रईयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था यह पिछले वाले वीडियो में हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत के तहत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था यह डलहौजी की विस्तारवादी नीति थी इस नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है या शासन करने के लिए आयोग समझा जाता है तो उसका राज स्वचालित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का हिस्सा बन जाएगा इस नीति के तहत दत्तक प्रथा और गोद प्रथा को समाप्त कर दिया गया सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राजीस में सतारा जैतपुर सम्भलपुर अठारह सौ पचास उदयपुर अठारह सौ बावन झांसी अठारह सौ तिरपन नागपुर अठारह सौ चौवन करौली अठारह सौ पचपन अवध अठारह सौ छप्पन अवध को कुप्रशासन के आधार पर उसमें विलय कर लिया गया था कब अठारह सौ छप्पन में दलहौजी का कार्यकाल है 1848 लेकर के 1856 अवध को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया गया उस समय अवध का राजा कौन था तो वाजिद अली शाह था राज हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की तो 1815 में राजा मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी इसका उद्देश्य था वेदांत के एकेश्वरवाद आदर्शों का प्रचार करना जातिगत रूढ़ियों के वि... खिलाफ अभियान चलाना बंगाल के समाज से सामाजिक धार्मिक विकृतियों को को दूर करना, को करना, हिंदू धर्म शुद्ध नेक्स्ट है भारत यशपाल निवेशी गुलामी के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों का नया औपचारिक आधार देने के लिए संघ बनाया गया था इसके पीछे मकसद था श्रमिक और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है राजा राम मोहन राय की पत्रिका है जो कि बंगाली भाषा में ईश्वर चंद विद्यासागर का सोम प्रकाश है मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका है एनी एनिवेश का सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया यह गलत दिया गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले उन्नीस पुणे महाराष्ट्र में की थी इसे भारत सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है

पत्रिका है राजा राम मोहराय की अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातोंरात बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने लगा 20 प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा तय हो जाएगा चौथा कब 4 मई 1799 को हैदर अली की मृत्यु सत्रह युद्ध के बीच में ही हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना में ज्योतिबा फूले के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल अठारह बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय इसका नाम है ब्लैक ब्यूटी वही विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को डार्लिंगटन से अस्टॉकटन के बीच चली थी जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है किसे जॉर्ज स्टीफेंस को देश में प्रथम विद्युत रेल तीन फरवरी 1925 को मुंबई से कोरला के बीच चलाई गई थी देश में प्रथम विद्युत रेल तीन फरवरी उन्नीस को मुंबई से कोरला के बीच चलाई गई थी क्वीन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे और देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी 1824 में रेल बजट और आम बजट अलग हो गए थे और दो से रेल बजट और आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया जाने लगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 में पुलिस कमीशन किसके अध्यक्षता में स्थापित हुआ था पुलिस कमीशन सर एड्रू फेजर इसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर लिया महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर रहा यह हुआ चंपारण में चंपारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह उन्नीस और पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उन्नीस में कब उन्नीस सौ में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई 1917 में यह आश्रम सारमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानित हुआ तब से सारमती आश्रम कहलाने लगा आगे है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई त्याग किया गया 16 अगस्त 1932 को इसके बारे में भी पहले चर्चा हो चुकी है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य टैगोर से संबंधित नहीं है देवदास गीतांजलि क्राइसिस इन सिविलाइजेशन जन गणा इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदास देवदास पुस्तक लेखक शरद चंद चट्टोपाध्याय है बाकी सभी समय हुई हत्याओं आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है जनसंहार कि जन जनसंहार का मतलब है कि जैसे समूह के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत का विभाजन उन्नीस में किया गया पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस चौदह अगस्त भारत में पंद्रह अगस्त को मनाया जाता है भारत के विभाजन साथ ही देश में दंगा भड़क गया था एवं भारी संख्या में जनसंहार जनसंहार किया गया था आगे है उन्नीस में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में किस महिला ने तैयार किया था उन्नीस में किस महिला ने तैयार किया था ओलंप दे ओलाम बुद्ध गॉर्जिस एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिनका लेखन महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था ये फ्रांसीसी क्रांति की एकमात्र महिला थी जिन्होंने राजनीतिक लेख प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराया गया क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उन्हें उसे उन्मूलन गिलेटिन पर सत्रह मार दिया गया नेक्स्ट है सात वर्षीय युद्ध सात वर्षीय युद्ध है सत्रह सौ छप्पन से सत्रह सौ तिरसठ के परिणाम स्वरूप इनमें से किस देश की फौजों की हार हुई थी सात वर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी इंग्लैंड ने इसे हराया था उसी के बारे में दिया गया चलिए देख लेते हैं युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई थी जिसमें दिया सत्रह की पेरिस संधि ने ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ उनके संबंधित सहयोगियों के बीच इस युद्ध को समाप्त कर दिया भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं सत्रह सौ तिरसठ की पेरिस

नेक्स्ट है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन ने की हो ची मिन वियतनाम समयवादी विचारधारा के प्रचारक थे ये वियतनाम के राष्ट्रपति भी रहे थे वियतनाम में होगा होवा नामक आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था आगे है बिहार पुलिस वन अधिकारी दो में पूछे गए बंगाल में शासन की स्थापना किसने किया था? ने बंगाल में द्वैत शासन को लूट खसोट और पथ भ्रष्ट शासन का संज्ञा दिया है के एम पनकर ने द्वैध शासन का डाकुओं का राज कहा है प्रांतों या राज्यों में द्वैत शासन भाषा अधिनियम उन्नीस उन्नीस के द्वारा लागू हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया एवं प्रांतीय प्रांत लागू की गई वही केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत किया गया सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है नाम याद रखिएगा सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है अठारह विद्रो के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन पहले ही इसके बारे में हो चुका है अठारह सौ संतावन की क्रांति से संबंधित लॉर्ड कैनिंग के काल में विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ था अठारह में लॉर्ड ऑफरिन के कार्यकाल में अठारह में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल है उन्नीस सौ इक्कीस से छब्बीस चौरी चौराकांड जो हुआ था लॉर्ड रेडिंग के काल में ही लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल है लॉर्ड वेलिंगटन उन्नीस से उन्नीस आगे है बिहार में अठारह की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो सिंह तेईस अप्रैल अठारह सौ अट्ठावन को ली ग्रांड को सिंह ने पराजित किया था तेईस अप्रैल को बिहार सरकार द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है कब तेईस अप्रैल को अमर सिंह ने कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद कैमूर के पहाड़ियों से अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे बिहार में अठारह का विद्रोह देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून अठारह को प्रारंभ हुआ पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था उस समय पटना का कमिश्नर टेलर था पीर अली पार्क पटना के गांधी मैदान के पास है आगे है अठारह सौ रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बेगम हजरत माह लखनऊ से मेरठ से यह गलत है नाना साहेब कानपुर से आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट है निम्न से अठारह सौ तिरासी ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई अठारह तिरासी में स्थापना हुई थी किसकी इन में से कोई नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था भारत सभा भारत सभा इंडियन ए, नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था और यह भारत के प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी इसके स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई आगे है भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही की इसके में सम्मेलन के दो सत्री और पचास में आयोजित किए गए दिसंबर अठारह में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोनों सेम ही लग रहा है बहिष्कृत हितकारिक सभा 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी इसका मकसद था अछूतों के लिए सामाजिक आंदोलन खड़ा करना इस सभा का मुख्य कार्यालय मुंबई में था डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्नीस में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र भी शुरू किया लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना अठारह में इंडियन लीग की स्थापना अठारह में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अठारह में किया गया प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया तो महादेव गोविंद रनाडे एम जी रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे ने किया प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया परोपकारी सभा के संस्थापक कौन थे 1880 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरठ में की थी इसे फरवरी 1883 में उदयपुर की अदालत में पंजीकृत किया गया था प्रोपकारिणी सभा का उद्देश्य वेदों का प्रचार प्रसार करना जनसाधारण को इससे परिचित कराना था आगे बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था तो बॉम्बे में हुआ था हो चुका है है नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है प्रत्याशिक वही दिवस 16 अगस्त उन्नीस को हुआ सही है भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 या गलत दिया गया है 8 अगस्त 1942 होगा चौरी चौरा कांड पांच फरवरी 1922 सौ बाईस हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 भारत छोड़ा आंदोलन के समय में ही आ, रात के बारह बजे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खा पैलेस में रखा गया जवाहर नेहरू को अहमदनगर दुर्ग में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया चौरी चौरा कांड की बात की जाए तो यह पांच फरवरी उन्नीस को हुआ इसमें आंदोलनकारियों ने बाईस पुलिसकर्मियों को आग लगाकर जिंदा जला दिया इसी कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस बारह फरवरी उन्नीस को ले लिया आगे है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति पूर्ण स्वराज की प्राप्ति अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था ठीक पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता के सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता पांच मार्च उन्नीस के ठीक पहले हुआ था अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अप्रैल को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ दांडी यात्रा की शुरुआत बारह मार्च उन्नीस को हुई गांधी इरविन समझौता पांच मार्च उन्नीस इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं सोलह अगस्त उन्नीस को रेमजेम मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की पुना पैक चौबीस सितंबर उन्नीस को गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ इक्कीस मेन्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्न राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी तो अकबर द्वितीय ने अकबर द्वितीय ने भारत का अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट कौन था तो अकबर द्वितीय था अठारह से अठारह सौ सैंतीस तक शासनकाल है वह साहब आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र और बहादुर शाह जफर के पिता थे बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को मज्जम कहा जाता है इन्हें साहेब खबर के उपनाम से जाना जाता है जहादार शाह को लंपट मुर्ग फरूख को घृणित कायर मोहम्मद शाह को रंगीला सैद बंधु दुसैन अली खा एवं अर्जुला खा को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी तो एटीन एटी सेवन में मद्रास में किया गया था संस्थापक एम जी रानाडे रघुनाथ राव इसका मकसद सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना था निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ शुरू हुई थी यह हो जाएगा शवने अवज्ञा आंदोलन यह सभी का सभी हो चुका है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा और मुशोलनी की मिलान से रोम यात्रा से किया था नमक सत्याग्रह शुरू करने का अनुमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला तो उन्नीस सौ उनतीस के लाहौर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था यह हो जाएगा उन्नीस सौ बीस नागपुर अधिवेशन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की का अनुमति कांग्रेस से की किस बैठक में लिया गया तो 1942 का ग्वालियर टैंक आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके जेल से फरार हो गए जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई के जंगल में उन्नीस में कब 1943 में आजाद दस्ता का गठन किया सरदार नित्यानंद सिंह को आजाद दस्ता का निदेशक या प्रशिक्षक बनाया गया 1942 को भाजपा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्नीस में फुलन प्रसाद वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने बाद में उन्नीस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में गठित हुआ था पार्टी उन्नीस सौ चौतीस श्री कृष्ण सिंह इन्हें बिहार के श्री के, 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 के नाम से जाना जाता है स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे उन्नीस के चुनाव के बाद मोहम्मद यूनुस को बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था अनुग्रह नारायण सिंह इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है यह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह नेक्स्ट प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र षड्यंत्र केस केस हमने आगे पढ़ा भी था मेरठ के मार्च उन्नीस सौ उनतीस को सरकार ने देश भर में बत्तीस कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया इस गिरफ्तारी में तीन अंग्रेज फिलिप एसब्रेट विलियम ब्रैडले तथा लेस्टर हचिनसन भी शामिल थे मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन एच जी वेल्स हेराल्ड लास्की तथा रुजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी इस केस में अभियुक्तों की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एम ए अंसारी कैलाश नाथ ने वकालत की थी चटगांव केस संबंधित सूर्य सेन जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया चटगांव में अंग्रेजी शस्त्रकार को लूट लिया था आगे बढ़ते हैं

कांग्रेस के इक्यावन में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष बोस का चयन 1938 में सुभाष चंद्र ने त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में त्याग पत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में किया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित नाइनटीन में कांग्रेस और मुस्लिम दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया मिस्टर चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री 1940 में बने सुभाष चंद्र बोस भारत से 1941 में की, और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सही प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया कराची अधिवेशन उन्नीस अंग्रेजों ने अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया लोहिया के सप्त क्रांति अवधारणा को देश क्या था स्त्री और पुरुष के बीच समानता के लिए राजनीतिक आर्थिक और जाति आधारित असमानताओं के खिलाफ जातियों का विनाश विदेशी वर्चस्व के खिलाफ आर्थिक समानता नियोजित उत्पादन और निजी संपत्ति के खिलाफ निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ हथियारों और हथियारों के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए राम मनोहर लोहिया का कहना था सप्त क्रांति ऐसी दुनिया को बना पाएगी जिसमें आंतरिक शांति और भौतिक भरा पूरा समाज होगा संपूर्ण क्रांति का कर धारणा ना? जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का कर नारा किसने दिया था जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के अंतिम उद्देश्य राजविहीन समाज का निर्माण करना था शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न समाज की स्थापना ज्योतिबा तिहत्तर पहले हो चुका है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया इंडियन ओपिनियन 1903 में इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे तो मनसुख लाल नजर इनके और भी पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया नवजीवन हरिजन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वंदी सन्याल न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनिवेशन का है हिंदू पैट्रियाट हरिशन्द मुखर्जी प्रताप किसका है तो गणेश शंकर विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित का सही कलानुक्रम बताइए यहाँ पे आप लोग खुद से देख लीजिए क्रम से अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 सौ तीस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उन्नीस भारत छोड़ आंदोलन उन्नीस साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन आठ नवंबर 1927 को किया गया था साइमन आयोग सात ब्रिटिश सांसदों का समूह था साइमन आयोग नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था जिसका गठन आठ नवंबर 1927 में किया गया था इसका मुख्य कार्य माउंटेग्यू चेंसपोर्ट सुधार 1919 निस की जांच करना था भारत में संविधान सुधारों के ऊपर अपना सुझाव देना था तीन फरवरी उन्नीस में साइमन कमीशन भारत आया कब तीन फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे हालांकि भीमराव अंबेडकर और यून्यनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक साइमन का नारा दिया था 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा था साइमन कमीशन के विरोध भारत में नेहरू रिपोर्ट आया था नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में उन्नीस में आया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निधन रेड क्लिफ आयोग सौ निन्यानवे कृष्ण राज को कृष्ण राज को जो कि वाडियार वंश का शासक था और यह नाम मात्र का शासक था अवध राज का अंतिम शासक कौन था तो वाजिद अली शाह अवध राज का संस्थापक शहादत खान

भारत ने 6 दिसंबर उन्नीस को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी 3 दिसंबर से 16 दिसंबर उन्नीस के बीच भारत ने बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है भारत विजय दिवस 16 दिसंबर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैनिकों का आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सैनिकों का था जो तिरानवे से अधिक सैनिकों का था पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण किया था किसके समझ जगजीत सिंह अरोड़ा के समझ इस युद्ध के बाद सन्नीस सौ में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में समझौता हुआ था आगे है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था तो बारह फरवरी उन्नीस को बारह फरवरी उन्नीस सौ ऐसे भी सभी हो चुके हैं महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है ये हो जाएंगे डी जी तेंदुलकर मोहन दास करमचंद गांधी महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी यह पुस्तक का नाम है यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में आठ खंडों में लिखी गई है यह पुस्तक उन्नीस सौ में प्रकाशित हुई थी डी जी तेंदुलकर ने चंपारण में गांधी और सोवियत संस्कृति पर भी पुस्तक लिखी महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट ट्रोथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था इस पुस्तक का मह, इस पुस्तक को महादेव देसाई ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया अच्छा महादेव देसाई ने अंग्रेजी भाषा में इसे प्रकाशित किया था तेंदुलकर ने तेंदुलकर से संबंधित इन प्रश्नों को याद रखें अच्छा सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेटर से है और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है 2023 में पूछे गए प्रश्न अठारह सौ सन्तावन के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया तो कुंवर सिंह के द्वारा 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया तो यह हो जाएगा काठियावाड़ी किसान पहली बार 22 सितंबर उन्नीस सौ को लंगोट पहना था पुस्तक हिंद स्वराज उन्नीस लिखा गया है हिंद स्वराज हो जाएगा महात्मा गांधी गुजराती में किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो यह हो जाएंगे डब्लू सी बनर्जी भूमेश चंद्र बनर्जी नौजवान भाजपा की स्थापना 1926 में किसने की तो भगत सिंह ने की द्वितीय विश्व युद्ध में धुई राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था तो जापान जर्मनी और इटली शामिल था जबकि ब्रिटेन शामिल नहीं था पूरा डिटेल दिया गया है इससे संबंधित आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तत्कालीन कारण क्या था यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को यह चार वर्षों तक चला इसमें सैंतीस देशों ने भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की वो सीनियर की से राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी इस युद्ध का मूल कारण गुप्त संधि प्रणाली था जिसका जन्मदाता जर्मनी का विस्कुमार्क था बाकी ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया है आप लोग चाहें तो वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कुल एक सौ छप्पन प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया चलिए यह हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे कमेंट करके बताएंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद